नमस्ते मित्रों, हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस फिफ्थ एपिसोड ऑफ म्यूजिकल म्यूजिक्स सीजन टू। इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी इवन ड्यूरिंग माय फर्स्ट सीजन एंड इवन द सेकेंड सीजन इज रियली गोइंग ऑन वेरी वेल विथ great support and blessings from all my guests, because all of them are very senior most musicians of our country. And today I am really happy and I feel privileged that Pandit Kaivalya Kumar Guravji is our guest today. I normally don't speak about the guest because most of you know about them. You know their musical whatever they have achieved in music field, and so it's not about their bio data or something. But one of the most erudite musicians, very very knowledgeable, and I can say a person with lot of conviction. So Kaivalya ji, I have been looking up to him since last 3 decades, because I come from the same state. I am from Karnataka. Kaivalya ji is also from the same state. So without going into lot many details about him, I will now invite Pandit Kaivalya Kumar Gurav ji to join us in this interactive session. नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर ज्वाइनिंग मी एंड ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस, ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस एपिसोड। ओके ओके। या कैवल्य जी, वी ऑल नो दैट यू कम फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली व्हिच हैज अ रिच म्यूजिकल बैकग्राउंड। ये माय ग्रैंडफादर was a direct disciple of Abdul. Yes, I wanted to know about your grandfather. Yeah. Actually, my grandfather was a state musician in the state of in the court of Maharaja Patwardhan in Jamkandi in Bijapur district. Okay, and he ran away to Mumbai. Because his parents insisted him to join the police department. He was already selected. Okay. So he was not at all interested in that, and he ran away from the house, and he straight away went to Mumbai and met with Abdul Karim Khan, and then his lesson started. And he used to teach everything, and after a month he used to give 1 rupee to my grandfather. अब्दुल करीम खान साहब जी वही इनको 1 रुपए दे देते थे क्या बात है खर्चे के लिए। देखिए वो जमाना कैसा था और कितने प्यार से सिखाते थे और प्यार से सीखते भी थे। जी जी। उससे पहले मेरे दादाजी ही गॉट लेसन्स अंडर भास्कर बुआ बकले। वाह। सो ही वाज द स्टारवर्ड ऑफ थ्री घरानास। यस। ग्वालियर, जयपुर एंड आगरा। सो देन ही शिफ्टेड टू अब्दुल करीम खान साहब। दैट इज द रीजन वी हैव द लॉट ऑफ बंदिशेस इन आवर दिस थिंग। वाह वाह। वन ऑफ द और जो हम जो गाते हैं बहुत अनकॉमन बंदिशेस हैं, जो कॉमन बंदिशेस में कभी गाता ही नहीं। इतने बंदिशेस हैं हमारे पास, तो कॉमन गाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी जी जी। एस्पेशली मैंने आपका एक इंटरव्यू में सुना है कि आपके दादाजी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन व्हाट आई फेल्ट वाज दैट ही हैज रिटन ऑल द बंदिशेस विद नोटेशंस। यस। दैट इज रियली अमेजिंग। रियली अमेजिंग। एंड ही इज अनएजुकेटेड बट स्टिल ही कुड राइट परफेक्टली।
in Marathi he has written, but he has written so nicely. It is very easy to note each and every one dish. Wow. Wow. My grandfather was of opinion that one should know a minimum 7 to 8 bandishes in each and every raga. Wow. क्योंकि हर एक बंदिश का भाव अलग होता है. Yes. उसी भाव से वो गाना है. अगर हमने ले लिया कि हम अभी यमन गा रहे हैं तो एक बंदिश से काम नहीं चलेगा. यमन के तान हर एक बंदिश में नहीं चलता है क्योंकि जी. बंदिश का डिमांड अलग है जी. समझ गए आप? क्योंकि इसीलिए 4-5 बंदिश आप गा लेंगे तब पता चलेगा कि इस बंदिश का भाव क्या है. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर दिस बंदिश. तो इसके लिए एक राग को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है. क्या बात. प्रसन्न जब हो जाएगा तब वो राग निखर के बाहर आ जाएगा. वाह. जब तक गले में तासीर पैदा ना हो तब तक गायक गवैया नहीं कहलाता. स्वर का दर्शन होना बहुत जरूरी है. स्वर का दर्शन कैसे हो सकता है? ये अभी आपका सवाल होगा. स्वर का दर्शन मतलब क्या? पहले सिस्टम्स है इसमें. एक पहले स्वर को वलय ले आना है. यू हैव टू सर्कल द नोट. जब स्वर को वलय आएगा तब स्वर जाके प्रकाशित होगा. वाह. स्वर प्रकाशित हो जाने के बाद स्वर सिद्धि हो जाती है. स्वर सिद्धि के बाद स्वर समाधि होती है. तो एक गायक को सिद्ध करना है अपने आप को सिद्ध करना है. तो इस जर्नी में वो उसको कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है. सब नेचर में है, उसके अंदर है. हमारे पास वो दृष्टि नहीं है. देखने की दृष्टि ने हर सब कुछ भगवान ने दे रखा है निसर्ग में कि क्या करना है क्या नहीं करना है. सब गाना निसर्ग में है. निसर्ग में क्या नहीं है, सब कुछ है. लेकिन हम देखते नहीं है जी. देखने की वो दृष्टि नहीं है हमारे पास. जी जी. क्या बात है. अभी एक गुरु जी के पास या पंडित जी के उस्ताद जी के पास आप कितने साल सीखेंगे, ये मेरा सवाल है. कितने साल तक आप सीखेंगे तब जाके आपको ऐसा लगेगा कि मैं अभी गायक बन गया. What do you answer? This is the question for you now. So, how many years, according to you, how many years we should learn under a guru or a pandit ji or a ustad ji? At least 10 to 12 years of rigorous training. Okay. Yes, rigorous, that is there. But there should be individual thinking. Wow. Individual thinking should be there. Otherwise, you will not be an artist. Correct. See, आज गुरु ने पढ़ाया, अभी उसके बारे में आप घर जाके विचार करो. जो भी शिष्य है घर जाके विचार करना है कि आज गुरु ने क्या सिखाया हमको. जी. क्या सिखाया? और इस जो जो चीजें उन्होंने आज सिखाई है इसमें से मैं क्या जानता हूं और मैं क्या नहीं जानता हूं. क्या बात. इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है. आइडल लर्निंग इज नॉट एट ऑल यूजफुल इन. यही होते आया है. जस्ट गुरु से प्रैक्टिस इट विल प्रैक्टिस आइडल. सो नो क्वेश्चंस बिहाइंड दैट. नो इंडिविजुअल थिंकिंग बिहाइंड दिस. सो देन हाउ योर म्यूजिक विल फ्लरिश. True. That is important, isn't it? Yes. So, एक बार आप विचार करना शुरू कर देंगे तब पता चलेगा कि आपकी क्या गलती है. जी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुरु जी का या पंडित जी का गलती निकालने के लिए. ऐसा नहीं है कि खुद कहाँ हो. वेर यू स्टैंड इन दिस म्यूजिक फील्ड एंड वेर यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर गुरु. वेदर यू हैव द कैपेसिटी टू ग्रैस्प ऑल द नॉलेज ऑफ द गुरु. You have that capacity or no? Who is going to ask this? You have to ask for yourself. कोई नहीं बताएंगे. ऐसा गुरु जी कोई नहीं बताएंगे आपको कि नहीं नहीं आपका ये ठीक है, ठीक चल रहा है, चलने दो. ऐसा थोड़ी होता है. आपको खुद डिसाइड करना है. Yes.
Hello. Sorry, there was okay. Yeah, internet problem. Okay, no problem. Yeah. तो खुद को आपको पहचान देनी है. जी. Be loyal to yourself. आपके पास कितने negative points हैं और कितने positive points हैं, ये आप खुद को पता चलना चाहिए. क्या बात. आप किसी को मत बताइए, लेकिन आपको पता चलने and concentrate only on negative points and not on positive points. यही तो गलती हम करते हैं कि हमारे पास अगर मंद्र सप्तक का आवाज है तो उसी में बैठ जाते हैं, जिंदगी भर उसी में बैठ जाते हैं, क्योंकि आनंद मिलता है ना. जी. आनंद मिलता है और हमको हमें लगता है कि अरे यार मेरा तो ये बाजू स्ट्रांग है, इसे इसको और स्ट्रांग बनाते हैं, इसको और स्ट्रांग बनाते हैं. स्ट्रांग बनाते 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 ऊपर ऊपर का सप्तक वीक हो जाता है ना, उसको उसमें क्या है, उसका विचार कौन करना चाहिए. वाह. वी हैव टू थिंक दैट. सो वी हैव टू इक्वली गिव, इक्वली जस्टिस शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी ऑक्टेव. मंद्र, मध्य एंड तार. तार. जितना तार में जाता है उतना मंद्र में जाना ही चाहिए. ऐसे नहीं है कि मेरा मंद्र में जाता है इसलिए मैं मंद्र में जा रहा हूं, ऊपर नहीं मेरा जा ही नहीं रहा इसलिए मैं ऊपर, ये गलत है. यू हैव टू मेक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट. और आराम से आप पहुंच सकते हैं प्राणायाम के द्वारा. जी. इसके जी. बारे में मैंने बहुत खोज किया है, योगा एंड प्राणायाम एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर म्यूजिक. या वी विल कम टू दैट टॉपिक इन द लेटर पार्ट. ओके. बिकॉज़ व्हाई आई सेड कि आपके दादाजी का वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उस जमाने में संगीत मतलब सिर्फ मौखिक विद्या होती थी, सिर्फ बिल्कुल ये बताया और शिष्य ने सीखा, उसमें सैया हुआ पिया हुआ वो बस वही है, जो भी गुरु ने बोला वो गाया जाता था. गाया. लेकिन बिकॉज़ दैट इज व्हाई आई फेल्ट दैट यू नो टू नोटेट इट एज वेल एज टू राइट सो मेनी बंदिशेस. आई मीन एज यू सेड यू नो भास्कर बुआ वाज आल्सो अ वेरी गुड प्रोलिफिक. यस. ही हैड कंपोज्ड सो मेनी बंदिशेस आल्सो. या. So to do that, it was really, you know, to know that your grandfather did such a great job of, you know, notating everything and writing those. Then we'll talk a little bit about your father, the great Pandit Sangmeshwar Guruji, whom I have seen personally. Many times I had the privilege of taking his blessings. Can you tell how the Talim started to you? Were you interested in music from earlier days? No. Or how did it come to you? Very good question you have asked. I was not at all interested. As I was in a convent school, so I was not at all interested in music. I used to sing only Bollywood songs and discos and all. Oh. In my school days. Till my college days, you can say. Oh. So one day, my father's friend came from Mumbai. Okay. So then he asked me, I was just sitting there, and he came and he asked me, what are you doing? So I'm doing my education. That everybody does. I am asking about music. What you are doing, because your grandfather, your father are so such a big stalwarts of music, and what you are contributing in music. I said, I don't like Hindustani music. Oh. He said, I was right from the childhood, I am straightforward. Yes, right from the childhood. I'm very straightforward. Then I said, I don't have any interest. Then he said, why don't you have interest? Because when I hear musicians, they take a lot of trouble. They take a lot of pressure. And that pressure is seen on their face. Music is meant for pleasure and shanti. And when that is not there, then why should I sing? जब तकलीफ हो रहा है, गाते समय जब तकलीफ ही हो रहा है, तो उसको गा के फायदा क्या है? अरे खुद आत्म शांति के लिए, आनंद के लिए गाना है. तो वही चीज मौजूद नहीं है, तो फिर गाना लेके क्या करी? उस समय मैंने उनको ये कहा. मैंने सेड, सो आई हैव ब्रॉट सम बालगंधर्व नाट्य संगीत. ही हैड कैरिड सम नाट्य संगीत विद हिम.
Then he said, I will play one Natya Sangeet for you. So can you repeat it? Then I said, no problem. You just let me listen to that recording. Then he played for me. Then he said, I want to listen one more time. So again he repeated. And the third time I repeated as it is exactly. Wow. Then he was so stunned, you know. And he said, what are you doing? And he said, oh, what happened? And did I, anything went wrong? Aray, no, Baba, you have extraordinary talent and why you are singing film songs and all? Then what should I do? You start singing Natya Sangeet. Then he told my father, he convinced my father, see how talented your son is, why are you not teaching? My father's answer was, he is not hungry at all. So when he is hungry, I will give him the food. Kya baat? Until and unless he is not hungry, I am not going to feed him. So let him come. So then I started my musical journey with Natya Sangeet in the year 1980. And for 2 years, I was singing only Natya Sangeets. And already programs started. I used to give programs in Ganapati festivals and all. And small programs, I already started giving only Natya Sangeet. Then all of a sudden, one day I realized, so what I am doing is not correct. It's not fair for me. I have to jump in the sea now. I have to jump in the ocean of music and I have to search something. And I have to give something else to this music field and to this world. A new thoughts, easy way of learning music. So from that day, I jumped and still I am swimming. I have not got anything, but the journey is on. Wow, kya baat, kya baat hai. How was your father as a guru? Very strict, very strict. I never felt that he is my father when he was teaching. Never. एक स्वर अगर गलत से लग जाता था तो यहाँ आके मेरे इसमें ऐसा पिंच कर देते हैं, वो देखो थोड़ा देख लो देख लो देख लो. कभी बताते नहीं थे कि ऐसा लगाना चाहिए, खुद को ही ढूंढना है, रास्ता खुद ढूंढ लो. तो यहाँ तो पेन हो जाता था, लेकिन अभी गंधार कैसे लगाना है. स्वर लगाव इतना बढ़िया उन्होंने सिखाया कि स्वर लगाव से सब कुछ हो सकता है. स्वर लगाव ही इंपॉर्टेंट है कि लगाना कैसे है स्वर, कि वो सुर कंप्लीट 100% डूबना चाहिए. ऐसे नहीं है कि वो दूर से हम उसको बाय बाय कर दिया, नहीं, वो स्वर खुद बुलाना चाहिए हमको. हाँ, मैं यहां हूं, आओ बेटा मैं यहां हूं, ऐसे पैदा करो आप, ऐसे इस तरह से ढूंढो स्वर को. क्योंकि स्वर ही ईश्वर है, इसी में सब समा है. और ये गाना जो है हमने कमर्शियल बना दिया है पेट पेट के लिए, लेकिन ये है आध्यात्मिक और उसके लिए है, खुदा के लिए है, भगवान के लिए है. और भगवान का गाना कुछ अलग होना चाहिए ना. आम आदमी के लिए गाना अलग होगा तो भगवान के लिए भी वही गाना गाओ गया. क्या बात, कुछ अलग. हाँ हाँ, कुछ तो स्टैंडर्ड चाहिए जी, डिफरेंस है ना उसमें. अभी कमर्शियली आप तालियां ले रहे हो, गिरगिट तान ले रहे हो, नोटेशन कर रहे हो, तालियां ले रहे हो, बार बार तालियां ले रहे हो, ये तो गिमिक्स हो गया. क्योंकि 100 में से सिर्फ 10 लोग समझते हैं, 80-90 लोग समझते ही नहीं है, ऐसे ही आ जाते हैं सुनने के लिए. बस वो तालियां बजे, हो गया प्रोग्राम सक्सेस हो गया. अरे प्रोग्राम में तालियां क्यों ले रहे हो, शाश्वत तालियां कब मिलेंगे इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी. शाश्वत ताली चाहिए ना, उसके पीछे दौड़ना है. अरे गिमिक्स तो 2 मिनट का काम है, हम भी कर सकते हैं क्योंकि सब कंट्रोल है हमारे. एक बार सब कुछ कंट्रोल में आ गया, कुछ भी कर सकते हैं जी. लेकिन वो रास्ता नहीं है, वो आपको सुख नहीं देगा वो रास्ता जी. जी क्या बात है, क्या बात है. तो आपके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे सिखाने में और आपको. हाँ, वो एक ही बार गा के दिखाते थे, बंदिश तो दे देते थे, ये ऐसा बंदिश है, 2-3 बार रिपीट करते थे और एक बार गाना गा के पूरा
और वो भी कहते थे सामने मत बैठो, अलग कमरे में बैठो, सुनो, ताकि मेरे एक्शंस आप में ना आ जाए. हाँ, यू शुड नॉट कॉपी माई एक्शंस एट ऑल. यू हैव टू वॉक ऑन योर ओन लेग्स. सो लिसन एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग एंड वेर एवर यू गो रॉन्ग एंड देयर ओनली आई कम एंड करेक्ट यू. दैट्स इट. आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू होल्ड माई फिंगर एंड वॉक. नो, यू हैव टू वॉक ऑन योर ओन लेग्स. यस. So, starting days were very horrible for me. I used to cry every day because nothing I knew how to develop. क्या करना है, ख्याल में क्या करना है, नयापन कैसे लाना है, हर बार नया कैसे हो जाता है ये रागिन का. अरे हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता और ये लोग बताते भी नहीं है. अरे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ. अभी वो जमाना चला गया है जी. वो जमाना चला गया है. आप अभी आपको बताना है कि ये करने से ये होगा. देयर मस्ट बी एन ऑथेंसिटी इन आवर म्यूजिक नाउ. वो दिन चले गए. करते जाओ, 12 साल लगे, 25 साल लगे, अभी किसी के पास पेशेंस नहीं है जी. लाइफ स्पैन इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट एंड द टाइम हैज चेंज्ड कंप्लीटली. करेक्ट. एंड वी हैव टू चेंज आवर म्यूजिक हैज टू चेंज. अप्रोच ऑफ म्यूजिक हैज टू बी चेंज्ड. Yes, very true. अभी 10 घंटा, अभी मैं अभी मेरे शागिर्द को बोल दूंगा कि आप 10 घंटा रियाज करो, हाईली इम्पॉसिबल. होगा ही नहीं. 100% होगा ही नहीं. Whosoever is interested in music, but he will not be, he will not be able to learn and he will not be able to practice. So what to do? Then we have to, whether we have to stop music. Yes, true. So that is a big question for us. Yes. तो सवाल तो यही है ना. अभी अगर 10 घंटे हम रियाज नहीं कर सकते तो फिर गायक बनेगा कैसे? तो इसके लिए आपको आसान तरीके से स्टूडेंट्स को बताना है कि क्लासिकल कैसे गाया जाता है, आवाज को कैसे ट्रेन किया जाता है जी. व्हाट इज ख्याल? आप क्या बताएंगे अभी? व्हाट इज ख्याल जी? सिर्फ सोच से कुछ नहीं होगा. हाँ, अभी उससे वर्ड का आंसर हो गया ना. Yeah. अभी परफेक्ट डिस्क्रिप्शन इसका आज तक कोई दिया ही नहीं जी. अरे सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ. अरे आप पंडित हो, आप उस्ताद हो, इसलिए आप सोच सकते हैं. मैं क्या सोच सकता हूँ? मेरा सोच ही नहीं है ना. मेरे पास सोच है ही नहीं है, फिर भी मुझे क्लासिकल सीखना है तो फिर मैं क्या करूं? सो आई हैव डिराइव्ड एंड आई हैव came to a conclusion. What is khyal? What is the meaning of khyal? Khyal is nothing but you have to ask a question to a raga. Okay, you have to ask a question to a raga. Questions can be asked on any notes. Answer is always sa and po. This is the definition of khyal. To sawal kaise puchna hai ye aapko samajh mein aana chahiye. एक बार सवाल आपको करने आ गया तो जवाब तो मालूम ही है जी. तो सा या तो इस तरह से आप बढ़ते जाओगे. कितने सवाल कर सकते हैं आप? जैसे 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 आपका जैसे सोच बढ़ेगा वैसे आपका क्वेश्चंस ज्यादा होंगे. जितना क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे उतना आपका गाना डेप्थ होता जाएगा. क्या बात है. वी डोंट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एट ऑल जी. ट्रू. हां यस. How to ask a question to a raga? What? Then the building stands because we are the architects, isn't it? Correct. 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 We are the architects. We also build the buildings. We build a building of a raga. Today we build and we only see it. Oh, अच्छा अच्छा ये ऐसा बनाया क्या आज? तो फिर दूसरे दिन उसको आज demolish कर देते हैं क्योंकि हमें कोई खर्चा हो थोड़ा थोड़ी होता है. तो demolish करो, दूसरे दिन अलग बंगला बनाओ, उसको देख लो. ऐसे बंगलोज बनाते जाओ बनाते जाओ, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे जी. और राग कभी खत्म नहीं होगा जी. जी हाँ. और कोई राग छोटा नहीं है. लोग पट झट से कहते हैं कि ये राग है इतनी है, ये 2-3 ये 15 मिनट का राग है. अरे भाई 15 मिनट के बाद वो आपका सोच बंद हो जाता है, इसलिए आप छोटे बोल रहे हैं उसको. क्या बात है. वाह वाह वाह. कोई राग छोटा नहीं है, कलाकार छोटा होता है. क्योंकि आपका सोच ही उतना है, आप सोचने के लिए तैयार ही नहीं हो जी. सोचना शुरू करो,
राग विशाल लगेगा। क्या बात है, वाह हाँ क्या बात है, बहुत 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 सटीक बात आपने कही कि राग को छोटा मानते हैं। काफी बहुत ऐसे छोटा। चीजें हाँ और काफी अभी ऐसी देखिए चीजें जी बहुत बहुत जगह मैंने सुना, ए भूप काफी, ये तो क्लास का राग है। अरे किसने दिया भाई, किसने बोला आपको ये क्लास के राग जी है? भूप काफी दुर्गा ये क्या क्लास के राग है? अरे 1 घंटे जी हम गा के दिखाएंगे ना, जी एक एक जी घंटा विदाउट रिपीटेशन हम गा के दिखाएंगे। अभी तक हमको उसका ये एंड नहीं मिल रहा है। हर जी रोज नया भूप आ रहा है, हर रोज नया दुर्गा आ रहा है। अरे क्या बात है जी, ऐसा क्लास चलिए का राग कैसे हो सकता है? किसने ये छाप दे दिया भाई? जी जी गलत है, ये गलत है। जी 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 इसमें मैं मेरे एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूंगा, अगर आपको जी सही लगा तो आप बोलिए, कि यहाँ हम लोग है ना शास्त्र से ज्यादा परंपरा को मानते हैं, क्योंकि सब बिल्कुल लोग पहले बिल्कुल, ऐसे किया है इसीलिए हम भी ऐसे करेंगे, ये एक तो वही है, चलते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यही तो बदलना है अभी, यही तो बदलना है। हाँ क्योंकि अभी हाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, जैसे अभी आपने खमाज का या काफी का राग राग का नाम बताया, कि सबके मन में ये एक भावना प्रकट हुआ है, हुआ मतलब सोच आ चुका है कि ये राग सब ठुमरी और दादरा गाने के लिए नहीं ऐसा है, हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं हो ही नहीं सकता, सकता ना, वो एक राग हो ही है नहीं तो सकता। उसमें डेफिनेटली उसमें डेफिनेटली क्लासिकल कुछ तो काफी है। बंदिश है, उसमें विलंबित हाँ बंदिश है, द्रुत बंदिश है, लेकिन एक है। परंपरा बन चुका है कि ये ठुमरी के लिए या लाइट म्यूजिक के लिए हाँ ऐसे। ये मैं जरूर कहूंगा कि दीज रागास आर मोर सुटेबल फॉर ठुमरीज रादर देन क्लासिकल, यस मोर करेक्ट सुटेबल, करेक्ट मोर सुटेबल। करेक्ट हाँ करेक्ट सही, वाह इसकी इसलिए वो वही अच्छा लगता है। और ये रस के बारे में वो एक बहुत जरूरी बात मैं अभी बात बताना चाहता हूँ कि अभी ये जी करुण रस है, हम उस रस को बदल सकते हैं भाई। जिन्होंने बनाया वो सही बनाया, उसमें हम जी कोई ये नहीं हुई है, उसमें संशय का कोई दौरा नहीं है। लेकिन जी उस अभी मालकम सीरियस है, उसको हम चंचल कर सकते हैं, जी क्योंकि हमारा सोच अगर बदल गया उसको भी चंचल कर सकते हैं, दरबारी को भी चंचल कर सकते वाह हैं। हाँ इसलिए वो ये कहना उचित नहीं है कि नहीं, यही ठीक है, वो रस उस समय अच्छा लगता है, उसी समय गाया अच्छा लगता है, इसमें कोई ये बात नहीं, गलत बात नहीं है, लेकिन उसको बदला भी जा सकता है, रस को बदला भी जा सकता है। करुण रस को वीर रस को भी बना सकते हैं, चंचल भी बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। और जिस दिन एटमॉस्फेयर जैसा है उसी दिन वैसा ही गाना है, क्या बात ये मेरा मानना है। ऐसे नहीं है कि घर में आज क्या गाना है सब बाहर करके निकलो, मैं जिंदगी में ऐसा कभी किया ही नहीं। जी समझो आज हम यहाँ घर पे बागेश्वरी प्रैक्टिस करके निकले और वहां जी जाके देखें तो बागेश्वरी का कोई वातावरण ही नहीं है, तो क्या करें? जी तो फिर ये होना चाहिए कि एन आर्टिस्ट शुड बी सो मच फ्री व्हेन ही गोज एंड ट्यून्स द तानपुरा इन द ग्रीन रूम एंड समथिंग विल कम इन हिज माइंड एंड दैट इज द बेस्ट चॉइस। वाह व्हेन एवर इज ट्यूनिंग द तानपुरास एंड व्हाट एवर कम्स इन हिज माइंड दैट इज द बेस्ट राग यू हैव टू डिसाइड। वाह क्या बात है और जी पॉजिटिव एनर्जी के लिए थोड़ा तो ध्यान करना बहुत जरूरी जी है, मंत्र जी पाठ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज बहुत होते हैं, ग्रीन रूम में भी होते हैं, स्टेज पर भी होते हैं। जी उसके लिए कई मंत्र हैं, वो जी मंत्र जाप करके ही उधर बैठना है ताकि वाह उस जगह को हम ग्राउंडिंग कर सके, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या कितने बात लोग आके बैठ के चले जाते हैं, है जी गपशप करते हैं, जी जी दे हैव लेफ्ट सो मेनी नेगेटिव एनर्जीज आल्सो एंड पॉजिटिव एनर्जी आल्सो, यस सो वी ट्रू हैव टू क्लीन इट अप। जी तो इसके लिए थोड़ा तो जाप योग प्राणायाम तो करना ही है, उसके लिए वाह इससे कोई छुटकारा नहीं है, जी इसलिए इससे म्यूजिक और आसान हो जाता है। वाह वाह, इसी के संबंध में मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कि जी संगीत और आध्यात्म जी आप कैसे इसको एक ही नाणे का मतलब एक ही कॉइन का दो पहलू मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल एक ही है, क्योंकि
अभी आप देखिए, जाप करने बैठेंगे तो सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड तक आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, isn't it? When you are meditating, you can control your mind just for a minute or two, maximum. Then again your mind will start fluctuating. So music is the only one way. At once you enter the music, no thoughts. For 2 hours, 3 hours, 4 hours, you are completely out of the world. You will be in your world. That is the reason why the saints, why the all the philosophers are behind music. This is the reason, because they said that you are so lucky. Within a moment, your mind comes to a concentration. Mind is concentrated and finished. That is finished, and you are one with music. When you are one with music, yeah, then you are one with the God. Wow. क्या बात? हर एक राग का एक दैवत होता है, उस दैवत को प्रसन्न करना ही है और शरण जाना है. यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू योर म्यूजिक, देन ओनली म्यूजिक स्टार्ट्स. अदरवाइज एक्स मैन विल बी सिंगिंग, कैवल कुमार विल बी सिंगिंग, समबडी एल्स विल बी सिंगिंग. इफ यू सरेंडर योर सेल्फ कंप्लीटली, देन गॉड विल सिंग. वाह वाह. You don't have to worry. You don't have to worry about आज प्रोग्राम कैसे होगा, आज गला खराब है, आज ऐसा कौन आए हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है. कौन आए, कौन सुने, क्या करना है, सुनने वाला भी वही है और गाने वाला भी वही है. हम तो सिर्फ नाटक करने आए हैं बस. वाह वाह. इसलिए टेंशन दूर है ना. जी 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 जी. कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम जिक्र करना चाहता हूं जो आज हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं. नील जैन जी जो स्पीक में के इंदौर के इंचार्ज है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. मेरे पिताजी आपको प्रणाम बोल रहे हैं. ओके, नमस्कार नमस्कार उनको भी. जी जी. और विवेक सिन्हा जी जो पटना के, जी आप पटना के बहुत करीबी करीब से जानता हूँ. जी जी जी. वो भी हमारे साथ जुड़े. उन्होंने लिखा है कि इस फेम्ड वॉइस कल्चर प्रैक्टिस इज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी यंग क्लासिकल वोकलिस्ट टू होन देयर वोकल स्किल्स करके उन्होंने लिखा है. यस यस यस. और इसके बारे में हम बात करेंगे डेफिनेटली. कल्पना ताई भी हमारे साथ जुड़ चुकी है. कल्पना ताई जो कर ओके 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 जी जी जी. और दीपा जोशी जो लंदन से जुड़ चुकी है हमारे साथ. ओके 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 जी. सो काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं. रविंद्र परचुरे जो सिंगापुर में रहते हैं, वो भी हमारे साथ, वो भी कलाकार का. तो काफी लोग हमसे जुड़े हैं. मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो गाना है उसके बारे में, यू हैव अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ सिंगिंग. यस यस यस. जो नॉर्मली इट इज नॉट नॉर्मली हम लोगों ने गुरु से हम लोग सुनने को नहीं मिलता है हम लोगों को. प्रसन्नता होना चाहिए. जी, आपके गाने में मैंने उसको बहुत ऑब्जर्व किया, क्योंकि काफी लोगों को हम लोग देखते हैं तो बहुत तकलीफ लेके चेहरे का जो ये है वो सब. तो यू हैव अ साइंटिफिक वे ऑफ सिंगिंग. ये जो साइंटिफिक वे है, ये आपने इसके बारे में कैसे आपको सोचा आपने? How did this just thought came to your mind? When I got initiated with my Guruji Chaitanya Anand Tirth, so he taught me about the Omkara. हाँ, उसके बाद उन्होंने बताया कि तीन अलग अलग साउंड हर एक इंसान में होता है. अभी आप ढूंढ लो अभी वो कैसे है, मैं हेल्प करता हूं आपको, और उसके लिए क्या जाप करना है और ओमकार कैसे करना है, ओमकार मेडिटेशन कैसे करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा. आगे की जो जर्नी है वो आपको तय करना है. सो देन माय जर्नी स्टार्टेड. देन आई केम टू नो दैट द बेस वॉइस, द चेस्ट वॉइस एंड द हेड वॉइस एंड व्हेन इट शुड बी यूज्ड इन म्यूजिक. एवरीबडी हैज दिस, ईच एंड एवरी आर्टिस्ट हैज दिस, बट ही हैज not, he is not known to these voices because he has not studied and guru has also not taught about this. Abhi
नेजल कितना यूज करना है गाने में? जब आपको तकलीफ होता है तभी आपको नेजल यूज करना है, नहीं तो करना ही नहीं है जी, है नहीं? जब भगवान ने आपको इतना बढ़िया आवाज दिया है तो उसको उसी तरह से इस्तेमाल करो ना। करेक्ट। गाने का आवाज और बात करने का आवाज अलग नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। ऐसे जोर से शर्ज लगा हुआ कहते वो गाना क्लासिकल हो जाएगा, गलत बात है जी। तो कितने साल गाओगे, जोर लगाओगे तो 10-20 साल गाओगे, 40 साल तक गाओगे, उसके बाद क्या? 40 साल के बाद क्या करोगे? तो यही बोलोगे ना, नहीं नहीं अभी हम उम्र हो गई, थक गए हम। अरे ये गलत बात है, ये कहने की बात है। अरे आपने सोचा ही नहीं कि गाना अंत तक होता है, टिल योर लास्ट ब्रेथ यू कैन सिंग, इट इज माई चैलेंज। वाह। यस, इफ यू परहैप्स इफ यू नो द टेक्निक्स, पूरा गाना टेक्निक पर चलता है, सांस के ऊपर, पूरा सांस के ऊपर है। हाँ, और आपको क्या करना है, नाभि से लेके बराबर कंट्रोल करके यहां कुछ प्रेशर देना ही नहीं। When the sound comes from the abdomen, it should get circle on the lips, both the lips. Then you are never strained. Then you are never strained at all. जितना भी ऊपर जाओ, ती तार सप्तक पे जाओ, पूरा तार सप्तक का सा लगा के आ सकते हो। इस तरह से आवाज आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलते हैं हमें शर्ज नहीं लग रहा है, ऋषभ नहीं लग रहा है, गांधार, ये तो बाएं हाथ का खेल है, आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो कुछ प्राणायाम करना बहुत जरूरी। यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिट। इफ यू वॉन्ट टू बी अ सिंगर देन यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेरी फिट। आपका एसिडिटी लेवल कितना है, वात पित्त कितना है, ये सब कंट्रोल में रखना है आपको। ये सब गाने के ऊपर इफेक्ट होता है। हम कहते हैं कि नहीं 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 आज हमारा रियाज कम हुआ इसलिए हम आवाज ऐसा हो रहा है, गलत बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो आपका उस समय एसिडिटी लेवल क्या है, वात क्या है, ये देखना है। इस एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और खाना बहुत कम खाना चाहिए, सब खाओ लेकिन बहुत कम खाना चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू बी एन एक्टिव सिंगर यू हैव टू ईट वेरी लेस। ऐसा कुछ नहीं है पहले लोग दबा के खाते थे, उस जमाने का जमाना अलग ही था, उसके बारे में सोचना ही नहीं है हमको। मैं यही तो बार बार दोहरा रहा हूं कि पुरानी बातें भूल जाओ, अभी आपको क्या करना है आगे, और वॉट यू आर गोइंग टू गिव टू दिस म्यूजिक वर्ल्ड, यू हैव टू थिंक दैट। सॉरी, मेरे ख्याल से वापस कुछ प्रॉब्लम हुआ। ओके ठीक है, चलो जी जी जी, सॉरी जी जी, आप बोल रहे थे कि चेस्ट वॉइस और इसके बारे में। हाँ, कैसे कब इस्तेमाल करना है, तब आप जब आप पंचम के ऊपर जा रहे हो, मध्य सप्तक के पंचम के ऊपर जा रहे हो, तब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे तकलीफ हो रहा है, उस समय थोड़ा सा टच देना है, टच देना है, यूज नहीं करना है। यूजिंग एंड टचिंग इज बोथ आर डिफरेंट, यू नो। यस, सो यू हैव टू जस्ट गिव अ टच ऑफ योर नोज, दैट्स इट, एंड डोंट टर्न इट टू कंप्लीटली नेजल। ओहो, यस, दिस थिंग यू हैव टू टेक केयर वेरी मच, अटमोस्ट केयर हैज टू बी टेकन इन दिस, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, व्हाट हैपेंस व्हेन दे इंट्रोड्यूस द नोज इन द मिडल, इट द म्यूजिक वॉज वेरी इजी अगेन, तो उधर फंस जाते हैं कि चलो यार ये अच्छा है लेकिन ये बेसलेस है ना। हाँ, इजी है लेकिन ये बेसलेस है, फाउंडेशन नहीं है इसका, कभी भी बंगलो गिर सकता है। क्या बात है। हाँ, अगर आपको बुखार है, आपको सर्दी है, जुकाम है, फिर भी आप गा सकते हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप बेस से गा रहे हो।
इससे कोई संबंध ही नहीं है, और गले से भी कोई संबंध नहीं है। जी गला खराब होगा जब आप यूज करते हो, इसलिए खराब हो रहा है। मैं यूज ही नहीं करता तो मेरा गला खराब क्यों होगा? मैं आइसक्रीम खा के गा सकता हूँ, पकौड़े खा के गा सकता हूँ, बस खाने के बाद एक दो तीन एक्सरसाइज करो, वॉइस एक्सरसाइज करो, सीधा निकल चलो। मैं आज तक हॉट वाटर या हॉट कॉफी या पानी स्टेज पे रखता ही नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये सब होमवर्क मैंने घर पे किया है। ये होमवर्क स्टेज पे करना नहीं है, ये शो ऑफ स्टेज पे करना नहीं है जी। तो इंप्रेशन जमाने के लिए गर्म पानी डालो, ये करो, खराब हो गया। अरे ये क्यों भाई, ये सब घर में करो ना। क्या बात, तो गाना हो तो बिंदास, एक बार शुरू हो गया तो हो गया, रुकावट किस बात की है जी। बस ठीक है, गाना हाई लेवल का नहीं हो उस दिन, लेकिन एक स्टैंडर्ड के नीचे तो आना ही नहीं है, आना ही नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होता है, आपके मूड के ऊपर डिपेंड होता है, ऑडियंस के मूड, क्योंकि कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं मूड खराब हो जाता है। इसलिए गाने पे असर कितना होना चाहिए, नॉट बियॉन्ड बिलो द लेवल, इट शुड नॉट बी बिलो द लेवल, इट शुड बी एट वन लेवल, आपको तय करना है। इससे नीचे गाना आ रहा है तो यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर, यू हैव दैट इज 100%। सो ऑलवेज इट शुड बी अबव द लेवल, द स्काई इज आवर लिमिट। यस, तो उसके वहां जाना है ना, तो नीचे क्यों आना है? वाह, वेरी ठीक है, आज नहीं, आज नहीं जमा, ठीक है ना, उसकी मर्जी है। तो उसको आज अच्छा नहीं लगा है, उसकी मर्जी है, चलो ठीक है, ये ऐसा ही हो जाता है। क्योंकि सचिन तेंदुलकर हर बार क्या सेंचुरी लगाते हैं क्या? जीरो पे कितने बार आउट हो गया जी, फिर भी वो सचिन तेंदुलकर है ना जी। जी जी, दैट्स थिंग शुड बी हियर। एक बार आप फेल हो गए, इस बार कुछ गलत हो गया प्रोग्राम, हमारे लोग तो बिल्कुल कहने के लिए रेडी हो जाते, अरे उसका खत्म हो गया, आजकल बहुत बुरा गा रहा है जी। इसके पीछे हम क्या क्या कष्ट उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कोई सोचते? एक बात करके खत्म कर दिया उस कला का, ऐसा थोड़ी होता है। एक दिन का प्रोग्राम से आप तय करेंगे किसी का जी, जी तो फिर हम भी आपको तय करते हैं, एक दिन में आप क्या समझने वाले हैं, क्या क्या बात, जो आप इतने बात कर रहे हैं, एक दिन में आपको क्या गाना समझ में, 60 साल हो गए हमको समझ में नहीं आ रहा, एक दिन का गाना आपको क्या समझ में, क्या बात है, वाह वाह, तो फिर वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। या फिर कहना नहीं चाहिए, अरे हक किसको है, सिर्फ गुरु को है, अरे उसको क्या नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, ये गलत कर रहा है। एक आदमी मुझे आके मिल गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसको, अरे यार वो बहुत बुरा गा रहे हैं आजकल। मैंने कहा आपने सिखाया? नहीं मैंने नहीं सिखाया वो उनका, तो फिर आप कौन होते हैं उनको बोलने वाले जी? हक किसको दिया आपने, किसको, किसने दिया आपको ये सब बात करने का? हक ही नहीं आपको, सिर्फ गुरु को है कि शिष्य क्या गलत कर रहा है, वो क्या करे, उसको हक है। आपको अच्छा लगे सुनो, नहीं अच्छा लगे छोड़ के चले जाओ ना, क्यों बात कर रहे हो भाई? एंड why आर यू स्प्रेडिंग नेगेटिव एनर्जी देयर? यस, इजंट इट, वाह, सी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, करेक्ट, बी पॉजिटिव, करेक्ट, थिंकिंग शुड बी चेंज्ड एंड यू विल चेंज योर लाइफ। वाह, see you are the architect of your own life, God has correct. Nothing to do with it. Wow, wow, very true, very true, very true. हमारे साथ रविंद्र काटुटी जी भी जुड़ चुके हैं, आपको नमस्ते बोल रहे हैं। ओह क्या बात है, हेलो 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 रविंद्र जी। जी जी, हमारे साथ अशोक कपूर जी बनारस से। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। जी जी, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं आज, और एक यंग कलाकार है आदित्य खांडवे, वो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज आपको सुनने के लिए, एंड यू स्पोक सो वेल अबाउट यू नो लिसनर्स, यू नो जस्ट सी लिसनिंग वन डे टू द कॉन्सर्ट एंड टेलिंग दैट यू नो अरे एक दिन अच्छा नहीं, एक अरे वो तो अच्छा नहीं गाते हैं, यू नो दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी। आज तक मैंने सुना ही नहीं है, अरे किसी का मूड नहीं लगा, कोई कलाकार अच्छा नहीं बजाया, अरे यार उसका तो बहुत प्रैक्टिस कम हो गया, अरे आप कौन होते हो भाई बोलने वाले, क्या बात है,
अरे उसके उसके ऊपर क्या बीत रही है, गो बिहाइंड द स्क्रीन एंड देन सी व्हाट इज हैपनिंग इन हिज लाइफ, एक दिन से क्या होने वाला है भाई। क्या बात और है, हमारे ना और हम पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि हमारे लिए पब्लिसिटी बहुत कम है, वी डोंट हैव लॉट ऑफ मीडिया कवरेज। ये जितना भी बढ़िया गाओ कहीं किसी एक कॉर्नर पे आ जाएगा बढ़िया गाया क्या फायदा, और जो ही हॉलीवुड पे गाएगा वो एंट्रेंस पेज पे इतना बड़ा करके फोटो दे देंगे। वाह जी, हमारे ऊपर खड़े हैं वो लोग, ये नहीं कह रहा हूं कि उनको मत करो, उनको और डबल करो, लेकिन हमको भी थोड़ा उधर तक पहुंचाओ यार, कष्ट तो हम भी उठा रहे हैं जी, बल्कि उनसे भी ज्यादा हम कष्ट उठा रहे हैं जी, थोड़ा इसके तरफ भी ध्यान दो भाई। मीडिया वालों से मुझे यही कहना है कि थोड़ा हमको भी इनकरेजमेंट करो यार, ऐसे नहीं है कि सिर्फ फिल्म म्यूजिक ही अच्छा है, अरे फिल्म म्यूजिक हमारे ऊपर खड़ा है, हम भी फिल्म म्यूजिक गा सकते हैं भाई, उनसे भी अच्छा गा सकते हैं, ऐसे नहीं है कि, लेकिन जब उनको मिल रहा है तो हमको भी थोड़ा मीडिया कवरेज दे दो भाई, ये बहुत जरूरी हो जाना चाहिए जी, सब मिलके मीडिया को ये बताना चाहिए कि यू हैव टू लिफ्ट द हिंदू क्लासिकल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, यू हैव टू मेक द कवरेज ऑफ दैट स्ट्रॉन्गली, थोड़ा चढ़ा के बात करो ना, जो जो नहीं रहता उस भी चढ़ा के आप एक एक्टर के बारे में बोलते हैं ना, जो उनके गुण ही नहीं होते उनके पास जी, he doesn't have the talent but you still boost him like anything in the advertisement world, why we say that we I don't want any boosting, right as exactly what it is, jo acha hai acha likho, nahi hai to nahi likho na, correct usme kya hai। लेकिन आजकल ये भी मीडिया में आपने भी इसके बारे में पहले मैंने सुना है कि आपने भी जिक्र किया है, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है, मुझे भी एक्सपीरियंस ये इसका हुआ है कि आजकल मीडिया वाले जो रहते हैं वो पहले आके पूछ लेते हैं आप क्या क्या गा रहे हो, तो वो लिख के जाके उसको जाके छापने वाला है, क्योंकि वो क्योंकि वो क्लासिकल का बारे में जानते ही नहीं है, और वो हमसे पूछ के लिखने वाले हैं। तो तानसेन समारोह में यही हुआ, तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं गाऊंगा, आप कुछ मत लिखो। एक अभी आधा एक घंटा पहला एक कलाकार गा रहा है, उसके बाद वो कहेंगे आप क्या क्या गा रहे हैं, उसके बाद भजन गाने वाले, उसके बाद ठुमरी गाने वाले, तो हम अभी अभी बोल बता दीजिए। मैंने कहा मैं कुछ गाने वाला ही नहीं, एक कलाकार आए थे ऐसे गा के चले गए, ऐसे लिख लो बस, ऐसा फालतू लेके क्या करना है। नहीं सही है, सही है, नहीं इसका इसका मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, सॉरी मेरा एक एक्सपीरियंस मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक बार ऐसे हुआ प्रोग्राम में कि वो मुझे आके पूछे कि आप क्या गाने वाले हो, तो अभी हम तो यंगस्टर से हम तो कुछ आपके जैसा तो डायरेक्टली बोल नहीं सकते, तो मैंने बोला मैं यमन गाता हूँ, तो उन्होंने दूसरा एक टोटल तीन आर्टिस्ट थे उस दिन, तो यमन गाता हूँ, तो फिर वो क्या हुआ मेरे जो पहले आर्टिस्ट थे मेरे मुझसे पूछने के बाद उनके पास गए थे, वो बोले कि यमन गाने वाले वो यमन बजाने वाले वो, तो मैंने यमन देख लो मुझे क्या हुआ, तो मुझे मुझे जैसे उन्होंने बोला कि यमन गाने बजाने वाले तो मैंने राग बदल लिया, लेकिन नेक्स्ट डे पेपर में मैंने भी यमन गाया कर ही आया उसमें, ऐसे ही होता है इसलिए उनको बोलना है बस ऐसे ही गा के चले गए, कुछ तो गाए और चले गए बस यही लिखो बस। जी जी, पहले जमाने के लोग बैठते थे, पहले जमाने के वाले क्रिटिक्स बैठते थे और बिल्कुल सही सही लिखते थे, अभी आजकल कहाँ है, किसी के हाथ में किसी को एडवर्टाइजमेंट थमा दिया। जी जी, वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं आपसे एक सवाल ये और एक बार एक बात और भी है, एक बात मैं और सब जगह कह चुका हूँ, ओपन इंटरव्यूज में भी कह चुका हूँ, हमारे फील्ड में ही क्यों देर से अवार्ड्स दिया जाता है, क्यों स्पोर्ट्समैन को 22 साल पे आप भारत रत्न देते हो, क्यों एक कलाकार को नहीं दे सकते, आप तय कर लो भाई, हम नहीं कह रहे कि 40-50 साल में दे दो जी, कुछ तो ये हो जाना चाहिए जी, अरे व्हीलचेयर पे भारत रत्न लेके क्या करना है, बेड पे भारत रत्न लेके क्या करना है जी, जब पता ही नहीं हमको क्या मिल रहा है जी, तब आप भारत रत्न के दो या कुछ दो क्या फायदा है भाई जी जी, जब तक कुछ है उस समय दो, उससे कुछ आनंद हो जाएगा, उससे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन डबल हो सकता है,
अरे भाई इतना कुछ मुझे कुछ मिला है, मैं कुछ और करूं, मैं कुछ और दे दूं म्यूजिक के लिए। जी वेरी ट्रू सत्तर जी से 80 साल के बीच में कुछ तो करो, ऐसा फिक्स कर जी लो कि अब ये जी अवार्ड देना है, ये अवार्ड देना है। ऐसे मैं नहीं कहूंगा कि 50 साल पे ही दो, 60 साल पे ही दो, नहीं है। उसको अगर योग्यता है तो जी दे दो ना, करेक्ट ये बंद हो जाना चाहिए। और मरणोत्तर के बाद क्या देंगे उसको, उसको लेके क्या करेंगे हम? क्या ऊपर से देखेंगे क्या उसको? अरे अच्छा हुआ मुझे मिल गया। हाँ? क्या वेरी वेरी ट्रू वेरी ट्रू दीज नहीं थिंग्स बहुत हैव टू बी चेंज्ड, यस दीज थिंग्स हैव टू बी चेंज्ड एंड समबडी हैज टू फाइट फॉर दिस। व्हेन यस एवरीबडी कैन गेट एनी टाइम, व्हाई ओनली म्यूजिशियंस कैन गेट एट लास्ट? हर एक फील्ड में आपको मिल जाता है अवार्ड, सपोर्ट जी जी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, हमको जी क्यों नहीं भाई? नहीं, उसका उम्र बहुत छोटा है, उम्र हो जाना चाहिए। जब हमको हमारे पास स्टिक आ जाएगा तब बोलेंगे बहुत, एक जमाने में बहुत बढ़िया गाते थे इसलिए हमको इनको अवार्ड दे दिया। क्या बात है ऐसे मेहरबानी कर रहे हैं, जी ऐसे मेहरबानी जी कर रहे हैं हमारे ऊपर। बहुत 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 सही कहा आपने। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपको, क्योंकि आपने एक ऐसा आपका करियर आपने बनाया है, आप मतलब इतना क्लासिकल तो कमाल का गाते हैं, नाट्य गीत आपका एक्चुअली पहला जो संगीत में एंट्री हुआ वो नाट्य गीत से आपका ठुमरी शुरू हुआ, और नाट्य संगीत आप काफी गाते हैं। एक ठुमरी कजरी जी, कोरी टप्पा सभी गाता वाह हूं, जी सभी सभी गाते हैं गाता आप जी। मैं हूं। और ये मैंने पूछना चाहता खुद खुद किसी से सीखा नहीं है, ओ टप्पा होरी कचरी मैं खुद डेवलप किया है, सुन के डेवलप किया, क्योंकि यहाँ कर्नाटक में कौन सिखाने वाले? हम थोड़ी यूपी हाँ के और बिहार के या दिल्ली के जी हैं जो जी आसानी से जी मिले, हम थोड़ी बनारस के हैं, जी हम तो यहाँ बैठे हैं भाई। बस जी सुन के मेरे फ्रेमवर्क में उसको उतारा है, क्या एज इट बात इज है नहीं, कि जी सोच के कि इन्होंने, इनका क्या अप्रोच है, कि बनारस अंग का क्या अप्रोच है, पटियाला अंग का क्या अप्रोच है, सिर्फ अप्रोच लिया है मैंने बस, जी बाकी कुछ नहीं लिया। और वो जी अप्रोच अगर मेरे फ्रेमवर्क में बैठ सकते हैं तो मैंने लिया, अगर नहीं बैठते तो छोड़ दिया। इस तरह से वाह मैंने ठुमरी टप्पा कजरी होरी सब रेडी कर दिया। मैं इसी के ऊपर पूछना चाहता हूं कि ये सब एक गायक के लिए गाना जरूरी है क्या? सब कुछ गाना बहुत जरूरी है जरूरी क्या? जरूरी है, क्योंकि यू विल बी अ परफेक्ट मैन, क्योंकि ठुमरी के लिए स्वर लगाव अलग है, क्लासिकल के लिए स्वर लगाव अलग है, भजन के लिए अलग अप्रोच है, भावगीत के लिए अप्रोच अलग है। वाह तो ये अप्रोच के बारे में आपको समझ में आना चाहिए ना। अभी भजन कैसे गाए भाई, अभी वही भजन मराठी में कैसे गाया जाता है और कन्नड़ दासवाणी में कैसे गाया जाता है और हिंदी भजन में कैसे गाया जाता है, इसका डिफरेंस तो होना ही चाहिए। जी ऐसे नहीं है कि जैसे मराठी गाए वैसे हिंदी गाओ, जैसे हिंदी गाए वैसे कन्नड़ में गाओ, नहीं, ऐसा हो ही नहीं जी सकता। इसका स्टाइल ही अलग है, मराठी का स्टाइल अलग है, हिंदी का जी स्टाइल ही अलग है, क्योंकि कबीर का सोच अलग है, पुरंदर दास का सोच अलग है, और ज्ञानेश्वरी तुकाराम का अलग है। खैर उनके जी जैसा सोच है वैसे गाओ ना, करेक्ट उनके जैसे विचार है वैसे गाओ, जी बी लॉयल टू देम। अरे खुद का विचार नहीं आया यहाँ, खुद का विचार नहीं चलेगा। जी तुकाराम ने क्या कहा है, पुरंदरदास ने क्या कहा है, और कहते समय उनको क्या लगा होगा मन में, जी क्यों लिखा उन्होंने ये भजन, ये वाह सोचना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मुझे क्या करना है, कितना मैं इसको ये कर सकता हूं, 100% मैं दे सकता हूं इसको, वाह एक भजन को मैं ट्यूनिंग कर रहा हूं तो इसको बराबर वो जो भाव उन्होंने थिंक किया है वो यहां आना बहुत जरूरी है, भले वो सही हो या गलत हो, लेकिन क्लोजली तो जा सकते हो आप, जी उसके नजदीक तो जा सकते हो, तो जी उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है ना। हम सोचते जी ही नहीं है, बिना हाँ सोचे गा लेते हैं ना, इसीलिए जी 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 बहुत तो हर बहुत बार सोचना बहुत जरूरी है। बहुत सटीक बात है ये स्टूडेंट्स स्पेशली मेरे लिए भी, जिंदगी क्योंकि में एक भी, स्टूडेंट जिंदगी में भी ऐसा ही है कि हर बार जी सोचो पहले, फिर जी बात का बाद में काम बात करो, कर 10 बार सोचो फिर जी बात जी जी करो, क्यों करते जी हो, जी जी सोचना खुद पहले है।
जी, खुद का एक थिंकिंग आपने जो बताया ये बहुत ही सही है, क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है हम सुनते हैं और उसी को गाने का प्रयत्न करते हैं, हमारा खुद का उसमें कुछ डालने को कोशिश भी नहीं करते हम लोग। कोशिश ही नहीं करते हैं बिल्कुल। जी इसीलिए ये ऐसा जी गाने से क्या होता है, 40-50 साल के बाद फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। जी एग्जैक्टली फॉलो किया गुरु ने, क्या किया उसको फॉलो किया, गालिए अच्छा गालिए, जवानी थी जबर जवानी थी, जोर डाल दिया, गालिया 30-40 साल तक। उसके बाद उनको जब सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट टेलिंग यू व्हाट यू हैव डन इज रॉन्ग इन योर लाइफ, सो यू शुड हैव नॉट डन दिस, सो बहुत देर हो चुकी होती है, यस इसलिए देन द आर्टिस्ट फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है आर्टिस्ट के लिए। तो फ्रस्ट्रेशन के बाद यही एक बचता है, पीना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जी बोलते हैं अभी हमारा गाना अगले अगले जन्म में गाएंगे, बस हो गया, जी ऐसे नहीं है, जी ऐसे नहीं। जी जी मैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग भी आज देख रहे हैं, आगे भी क्योंकि इसका मैंने मतलब। क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि मैं सो के भी गा सकता हूं, ओ उसका भी प्रैक्टिस किया मैंने, कि समझो आज कुछ हो गया मुझे, सो के भी मैं सुरन को सिखाना चाहता हूं, वही जो हरकतें बैठ के या खड़े होके, खड़े होकर भी क्लासिकल गाना चाहिए, क्यों नहीं गाएंगे आप, जी देखो कि एनर्जी लेवल क्या डिफरेंस आता है उसमें, बैठ के गाओ, खड़े होके गाओ और सो के गाओ, तीनों इसमें आप क्या ये कर सकते हैं। अरे उसके बारे में सोचो ना, जी ऐसे नहीं है कि बस अभी है इसलिए गाओ, उस बाद में नहीं देखेंगे, ना ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको अभी 40 साल आगे जाके सोच के गाना करना है कि जी मेरे 40 साल के बाद मैं कैसे गा सकता हूं, जी अभी 80 साल का, 80 साल का मैं बूढ़ा हो गया हूं, अभी मुझे गाना है तो फिर मैं कैसे गाऊं, जी ये क्योंकि मुझे एनर्जी लगाना ही नहीं ना, क्योंकि अभी मैं एनर्जी लगाता नहीं हूं, बिकॉज आई स्टोर ऑल माई एनर्जी एंड आई सिंग विद टेक्निक्स, द सेम टेक्निक विल बी फॉलोड आफ्टर 40 ईयर्स, भले थोड़ा कम हो जाए जी लेकिन गाऊंगा जरूर, दिखाऊंगा जरूर, जी क्योंकि मेरे पास टेक्निक्स है, तान जी जी बहुत के बहुत सही टेक्निक्स है, हाँ जी स्वर लगाव के टेक्निक्स है, जी शब्दोच्चार कैसे करना है, शब्दोच्चार कैसे करना है उसका भी जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको बंदिश ठीक तरह से गाना नहीं आता है, हम ठीक तरह से बंदिश गाते नहीं है, बंदिश को कैसे गाना है, अलग अलग तरीके से उसको सवाल करके बंदिश गाना है, जी जी तब जाके वो बंदिश निखर निखर के आ जाता जी है। हाँ ये सब सोचने के बाद ही पता चलता है, बिना जी सोचे कुछ ये बहुत आपने बहुत सही सही बात कही कि बंदिश को शब्दोच्चार और बंदिश को क्या गाना है और शब्द का उच्चार कैसा होना है, क्योंकि मेरा ही खुद का एक्सपीरियंस, मैं जब भी छोटा था तो जब भी मियां मल्हार सुनता था, पहले तो हम तो कर्नाटक से है तो हिंदी उतना अच्छा नहीं था हमारा, जब हम छोटे थे तो स्कूल में भी हिंदी नहीं था, तो हम लोग मियां मल्हार जब भी सुनता था, मैं सुनता था ये करीमा ना मतेरो, मतेरो मतलब क्या है, करीमा ना मतलब क्या है, हम सर लोगों को बिल्कुल करी बिल्कुल मतलब कन्नड़ में तो करी मीन्स ब्लैक, तो करी मना हाँ मतेरो मतलब इतना हम लोगों को वो जस्ट बिल्कुल सुन ऐसा ही सुन के होता है सुन सुन ना, के ऐसा गलती उसका सोच ही नहीं था, क्योंकि बाद में हम लोगों को जब भी हम लोग हिंदी समझ में आने लगे, थोड़ा इसके बारे में ध्यान देने लगे, तभी हम अभी ये लोगों को देखिए, लगा। अभी मजा देखिए, अभी अभोगी में चरण धरा आयो है, जी फेमस बंदिश है, जी लेकिन पहले जमाने के लोग कैसे गाते थे, ए चरण, एक बार चरण बोल दिया उसके बाद जी पूरे 45-40 मिनट जितने बार गए ए री च ए री च ए री च, रण नहीं है, ये क्या जी गाना हो गया भाई, जी जी बंदिश बराबर है लेकिन आपका सोच थोड़ा बदलना चाहिए ना, क्योंकि क्या बात है, उस जमाने में एजुकेशन नहीं था, अब तो एजुकेशन आपके पास है ना, तो फिर जी सोचो ना, जी थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल भी सोचो भाई, वेरी ट्रू चरण धर आप पे सम रखो ना, जी चरण धर चरण धर, हाँ यहां समा वाह सकता है ना, तो ऐसे बदल करना चाहिए भाई, जी ऐसे नहीं जी है कि वही गाते आओ वही करो ये करो, वो गलत है ना,
इसलिए थोड़ा तो सुधारा जा सकता है। जी। पंडित जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स लोग इसको देख रहे हैं, और आपको एक संगीत का स्टूडेंट अगर आपके पास आता है बिल्कुल सीखने के लिए, तो व्हाट आर द मेन पॉइंट्स इफ ही वांट्स टू मेक अ करियर इन म्यूजिक, तो आप उनको क्या क्या सलाह दो ही दो ही चीज चाहिए मुझे जो स्टूडेंट मेरे पास आएगा, एक गला और एक लय की समझ, बस ये अगर दो है तो मैं कुछ भी सिखा सकता हूँ जी। लेकिन हाँ, और गला चाहिए, खराब गला है तो भी चलेगा, मैं उसको सुधार सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टेक्निक्स है, मेरे कुछ एक्सरसाइजेस है, योगिक एक्सरसाइज करके उसको मैं सुधार सकता हूँ। लेकिन लय क्या कर सकता हूँ मैं, लय कोई नहीं सिखा सकता। ताल सिखा सकते हैं आप, ताल सिखा सकते हैं क्योंकि इतना 12 बीट्स है, 16 बीट्स है, 10 बीट्स है, लेकिन धा और धिन के बीच ब्रह्मांड छुपा हुआ है, वो उस लय को कौन समझाएगा, कौन समझाएगा, कौन समझाएगा? अरे उसको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, ये समझाने की चीज नहीं है। ऐसे हमारे फील्ड में बहुत से ऐसे चीजें हैं, बता नहीं सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते। वाह वाह, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं एक लास्ट में एक आपसे लास्ट एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप एक करियर आपने बनाया है, आपका एक आज एक खुद का एक मतलब नाम है, आपका गाने को इतने लोग पसंद करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, हर एक बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में आप गाते हैं, तो एक एक करियर बिल्ड करने में आपको, मेरे ख्याल से इट इज डेफिनेटली नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, क्योंकि काफी आपको डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ा होगा, बहुत बहुत। तो इसको जो स्टूडेंट्स जो है सुनने वाले, क्योंकि इसमें वन ऑफ द मेन थिंग आई फील एज अ म्यूजिशियन, प्रोफेशनल म्यूजिशियन, की पेशेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड हैव। इसमें कोई भी ऐसे आपको तुरंत नहीं मिलेगा, इंस्टेंट कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई और हाउ डिड यू ओवरकम दीज चैलेंजेस, वट एवर यू हैव फेस इन? यस, यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, ये ओवरकम करने के लिए एक ही सपोर्ट देगा, ध्यान और योग। क्या बात, विल पावर बढ़ जाएगा आपका। मान लो इस जन्म में कुछ नहीं होगा आपको, अगले जन्म में तो होगा, इतना विश्वास रखना चाहिए आपके वो म्यूजिक के ऊपर। आप इस जन्म में अगर नहीं मिला तो अगले जन्म में तो 100% मिलेगा ना। क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो भाई, इस जन्म में ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, अगले जन्म में। इसीलिए आज आपको, आप इसमें देख रहे हैं रियलिटी शोज में, इफ यू जस्ट सी द रियलिटी शोज, सी कैन यू सी द टैलेंट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, हु हैज टॉट देम, हु हैज टॉट देम, दे हैव ऑल डन इन द पास्ट एंड दे आर कैरिंग इट नाउ इन एट द प्रेजेंट। सो इसके ऊपर तो विश्वास रखो भाई, इस जन्म में अगर नहीं हुआ तो ठीक है ना, करते रहो, आनंद लेते रहो, ये क्या कम है? खुद आनंद लेते रहो, गाते रहो, आनंद लेते रहो, गाते रहो, यही तो जिंदगी है, और क्या चाहिए आपको? आनंद लेते रहो, बस ईश्वर की मर्जी है, हो जाएगा, अगर ये नहीं है तो अगले जन्म में हो जाएगा, तो होना तो ही है, झगड़ा तो उससे करो ना, आपको करना ही है, अगर इस जन्म में नहीं करना है तो अगले जन्म में आपको करना है, तो झगड़ा उसके साथ करो यार, आदमी के साथ क्यों झगड़ा करते? क्या बात, वाह, आदमी से झगड़ा करके मिलने वाला क्या, झगड़ा तो उससे होना चाहिए, परवरदिगार से झगड़ा होना चाहिए जी। यार मुझे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो देगा, वो देगा, 100% देगा, लेकिन आपका लेवल बढ़ना चाहिए। क्या मांगने से पहले आपका लेवल बढ़ना चाहिए, आपके पास लेवल ही है ना, आप करोड़पति बनना चाहते, वो फिर भगवान पूछता आपके पास वो ताकत है, मैं आज ही दे देता हूँ, ताकत है आपके पास? नहीं है तो फिर मैं कैसे दे सकता हूँ? So you have to raise your standard. If you want to gain something, you raise your standard, you will get everything. Change your thoughts, you will get everything. Change your thoughts, you will get everything. Yes, बहुत। प्राणायाम रियाज के साथ, योग प्राणायाम और ध्यान अगर करोगे तो एनी स्टूडेंट हु कम्स टू मी, आई विल मेक हिम रेडी इन जस्ट 5 years. He will be on the stage in 5 years. और हर रोज रियाज कितना होना चाहिए? 2.5 से 3 घंटा, बस
इतना ही समय दे दीजिए, मैं टेक्निक्स दे दूंगा, चले चलना है। किसी को कोई आवाज की खराबी हो पूछिए, मैं उसको ठीक करवा दूं। लेकिन सातत्य से करना है, करना चाहिए, हर रोज सुबह उठना चाहिए। जी, यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4:35। यस, जल्दी उठना ही चाहिए, यही सबसे राजमार्ग है संगीत के लिए। डोंट गिव एनी एक्सक्यूज, गेट अप इन द मॉर्निंग, कंप्लीट ऑल योर वर्क, प्रैक्टिस योगा, मेडिटेशन, एवरीथिंग, सी द चेंज व्हाट विल हैपन, बिकॉज द पॉजिटिव एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन अर्ली मॉर्निंग, इट इज नॉट देयर द होल डे। बिकॉज ऑल द सेजेस एंड ऑल द सेंट्स एंड ऑल द साधुस एंड ऑल द गॉड्स आर वेटिंग टू ब्लेस यू एट दैट टाइम। अलग नहीं है म्यूजिक, साइंस एंड म्यूजिक इज वन ओनली। बस, वाह। सो आई थिंक आई हैव माय पर्सनल ओपिनियन दैट आई हैव नॉट कम There was again some issue with the network. I'm extremely sorry today. Yeah. It's been quite a problem. Kaivalya ji, I have come across very few people like you, you know, who are so erudite. You are so knowledgeable, and you know how to put it across. That is very, very you know, great quality that you possess. Because I have seen many people have knowledge, but they don't have the capacity to put it across in a very simple manner. I think you are one of a very blessed ones to have those, I mean, those qualities. We all, whoever is there today, who have attended and who are going to listen to this session in future on my Facebook, on the Musical Music's Facebook page, they'll be really, really, you know, blessed and encouraged with your words of wisdom. So thank you so much for taking out your time and sharing the knowledge, the wisdom that you have acquired in your lifetime. So thank you so much for your time and blessing all of us. Thank you, Dhananjay. Thank you. Thank you so much. I thank all my viewers for coming and watching today's interview. Please do join me for next week and, with a new and guest. And Dhananjay, you are doing a very yeoman service. And thank you so may much. You get all the success and you do so something much. For music. Thank you. Thank you so much. My blessings. And thank you. Thank you so much. Thank you so much. And I thank all my viewers for joining me. Stay safe, take care, and good night.